हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि होता है पुश डाउन ऑटोमेटा। बहुत बारी ये AKTU के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसके दो मेन एग्जाम्पल्स जो हम लोगों ने उठाए हैं वो AKTU 1 16 17 में आ चुका है, AKTU 17 18 में आ चुका है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम लोग देखेंगे इनका PDA किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है और पुश डाउन ऑटोमेटा के कितने टाइप्स होते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको सेम टू सेम क्वेश्चन ये उठा के कॉपी कर दिया जाए। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि PDA में इससे ज़्यादा कुछ पूछा जाएगा, इसके तो चांसेस लो होते हैं। ये मेन चीज़ें होती हैं जो PDA में पूछी जाती हैं, तो यानी कि 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इस एक वीडियो से। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। तो अगर बात करें डेफिनेशन की, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ डिफाइंड एज एन एक्सटेंशन ऑफ एन फाइनाइट ऑटोमेटा। ये हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा का एक एक्सटेंशन होता है जिसमें कि एक एडिशनल स्टैक का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टैक की हेल्प से एक तरह का हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा परफॉर्म करते हैं, उसी को हम लोग PDA कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। या फिर इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द मशीन फॉर्मेट ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज CFL। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का मशीन फॉर्मेट होता है PDA, यानी कि पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये है इसका रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट। PDA कैन बी रिप्रेजेंटेड एज क्यू सिग्मा क्यू नॉट डेल्टा एफ जेड नॉट और टाऊ। अब इन सब में अपनी एक यूनिक मीनिंग होती है इनकी। क्यू का मतलब होता है नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, सिग्मा यानी कि इनपुट अल्फाबेट, जो भी हमारा इनपुट अल्फाबेट है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ABC हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्यू नॉट हमारा इनिशियल स्टेट रिप्रेजेंट करता है, एफ हमारा फाइनल स्टेट रिप्रेजेंट करता है, जेड नॉट बॉटम ऑफ द स्टैक रिप्रेजेंट करता है, टाऊ हमारा स्टैक के अंदर जो अल्फाबेट है उनको रिप्रेजेंट करता है, और डेल्टा हमारा ट्रांजिशन फंक्शन होता है। ठीक है, इससे हम लोग PDA को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हम लोग बाद में बताएंगे कि PDA किस तरीके से हम लोग का परफॉर्म कर रहा है। ऑलराइट, कैसे ट्रांजिशन फंक्शन लिखा जाएगा वो हमारा डेल्टा बताता है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि कितने टाइप्स के PDAs होते हैं। तो PDAs बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, डिटर्मिनिस्टिक PDA और नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA। डिटर्मिनिस्टिक PDA को हम लोग PDA कहते हैं और नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA को हम लोग NPDA कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ये चीज़ याद रखिएगा, अगर NPDA आता है तो वो भी PDA के अंडर ही होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब PDA क्या होता है, ऑल डेरिवेशन इन द डिज़ाइन गिव ओनली सिंगल मूव। डिटर्मिनिस्टिक तब होगा जब सारे डेरिवेशन किसी PDA के डिज़ाइन में सिंगल मूवमेंट दे रहे हो, यानी कि एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो। अगर इन केस कभी ऐसा होता है कि कोई एक डेरिवेशन भी एक से ज़्यादा मूव्स जनरेट करने लगे, यानी कि एक से ज़्यादा आउटपुट किसी सेम डेरिवेशन से परफॉर्म होने लगे, तब वो हमारा NPDA के अंडर आ जाता है, यानी कि वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA हो जाता है। ठीक है, बेसिक डिफरेंस है। अगर अभी आपको क्लियर नहीं हुआ तो एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे, तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो अगर बात करी जाए एग्जाम्पल की, तो पहला एग्जाम्पल AKTU 2017-18 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, कंस्ट्रक्ट PDA फॉर लैंग्वेज WCW रिवर्स, W बिलोंग्स टू A, B एस्ट्रिक, यानी कि W जो है हमारा इनपुट अल्फाबेट AB से बिलोंग कर रहा है, प्लस हमें एक PDA जनरेट करना है इस लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेज क्या है हमारा, WCW रिवर्स। अब W क्या होता है, W बिलोंग कर रहा है AB से, यानी कि W कुछ भी हो सकता है, AB, AB, B, AA, BB कुछ भी हो सकता है, W रिवर्स उसका रिवर्स होगा। ठीक है, अगर बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज हमारे पास क्या हो जाएगी, L इज इक्वल्स टू, अब WCWR का मतलब है यहाँ पे AA हो सकता है, ACA हो सकता है, ABCBA हो सकता है, या फिर AACAA हो सकता है, ABBCBBA रिवर्स उसका ये हो सकता है, या फिर इस तरह की बहुत सारी स्ट्रिंग हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग अगर इनमें से कोई भी एक स्ट्रिंग उठा के देख लेंगे स्टैक में रख के कि किस तरीके से हमारा PDA बनेगा, तभी भी हम लोग को समझ में आ जाएगा कैसे काम कर रहा है। ऑलराइट, तो करेंगे क्या हम लोग, ऐसा करते हैं,
जस्ट सपोज हम ये वाली स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग बड़ी है तो समझने में इजी होगा। अब यहाँ पे कितने भी ए हो सकते हैं, कितने भी बी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। ये हम लोगों ने सपोज किया है कि हाँ हमारी ये कोई एक स्ट्रिंग है जिसके लिए हम लोग को चेक करना है, ठीक है। प्लीज़ गाइज बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड करना, आप वीडियो पे फोकस करो, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले तो क्यू नॉट हो जाएगा हमारा इनिशियल स्टेट, ये हो गया हमारा इनिशियल स्टेट। अब पहले हमें चेक करना है कि स्टैक में किस तरीके से जाएगा। लेट सपोज दिस इज आर स्टैक, तो पीडीए में एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी आप स्टैक के थ्रू करोगे तो एक तो हमारा जेड नॉट रहना ही रहना है, ठीक है। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड, अब दिख रहा है, हाँ ठीक है। स्टैक में हमारा जेड नॉट हमेशा ही स्टोर रहेगा, ठीक है। उसके बाद जस्ट सपोज ये स्ट्रिंग हम लोग लेते हैं जो कि हमारी ए बी बी सी बी बी ए। सबसे पहले ए उठाएगा, ए को हमने इनपुट करा लिया, ठीक। उसके बाद बी लेंगे, बी को इनपुट करा लेंगे, फिर बी लेंगे, एक और बी आ जाएगा। उसके बाद सी, अब सी स्टैक के अंदर नहीं आएगा। सी इसलिए है ताकि सी पे पहुंच के पीडीए को ये पता चल सके कि इसके बाद जो भी स्ट्रिंग आने वाली है, जो भी अल्फाबेट आने वाले हैं, उनको चेक करते हुए हमें इन एलिमेंट्स को पॉप करना है, ठीक है। पुश तो हो गया, अब सी आएगा तो सी को हम लोग कर देंगे स्किप, ठीक है। उसके बाद जैसे ही बी पे पहुंचेंगे, बी बी मैच करेगा, टॉप एलिमेंट सेम पॉप, बी बी मैच किया एलिमेंट सेम पॉप, ए ए मैच किया एलिमेंट सेम पॉप, वापस से जेड नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पीडीए डिज़ाइन करना है कि सी के पहले के जितने भी एलिमेंट्स हों वो पुश हो जाएं, सी के बाद के जितने भी एलिमेंट हों उनसे कंपेयर करा करा के हम लोग प्रीवियस एलिमेंट्स को पॉप करते जाएं। समझ में आई बात, सिंपल है। एक दो बार, एक दो क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग डिज़ाइन किस तरह करेंगे, सबसे पहले आया हमारा क्यू नॉट। अब क्यू नॉट पे हमें लगाना है लूप। अब लूप किस लिए लगाएंगे, लूप हम लोग लगाएंगे क्योंकि ए आएगा जेड नॉट है, ठीक है। ए आया जेड नॉट था तो ये हमारे पास स्टैक में आ गया ए जेड नॉट, एक लूप इसके लिए, ठीक है। एक लूप लगेगा, ए हमारा है, एक और ए आ गया तो हो गया ए ए स्टैक के अंदर, ठीक है। एक और लगेगा क्योंकि ए के बाद बी भी आ सकता है तो ये हमारा आ जाएगा ए बी स्टैक के अंदर। अब उसी तरीके से इफ इन केस हमारी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होती, अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग ये नहीं डिज़ाइन करेंगे, ये हम लोग यूनिवर्सल डिज़ाइन करेंगे कि कोई भी स्ट्रिंग हम लोग उठाएं तो उससे इसको कंपेयर करा सकें या ये मशीन में वो स्ट्रिंग परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज करें कि बी से स्टार्ट होता तब क्या करते, तो उसके लिए भी हम लोग लूप लगाएंगे, एक बी जेड नॉट, यानी कि सबसे पहला अगर बी आ गया तो बी जेड नॉट आ जाएगा स्टैक में, दो बी आ गए ए नहीं आया तो बी बी आ जाएगा स्टैक में, और इन केस बी के बाद ए आया तो बी ए आ जाएगा स्टैक में, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। उसके बाद हमें पता है कि जब सी आएगा तब हमें स्किप करना है, ठीक है। सी आया जेड नॉट, हम लोग स्किप कर देंगे सी को, हमारे पास बचेगा सिर्फ जेड नॉट। अब आ गई हमारी अगली स्टेट, ठीक है। इस पे एक लूप लगेगा, ऊपर एक लूप नीचे, क्या करेंगे ये लूप। सबसे पहले तो अगर ए के बाद सी आया तो हमें सी को स्किप कराना है, तो उसके लिए भी एक लूप लगाएंगे हम, सी कॉमा ए, हमें ए मिलना चाहिए, और अगर बी हुआ स्टैक में तो हमें बी मिलना चाहिए, सी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। एक लूप इसके लिए लगेगा, एक लूप लगा है सी के बाद, सी को चेक करने के बाद कि ये जो भी हमारी लिस्ट आएगी, जो भी हमारे अल्फाबेट आएंगे, इन केस वो मैच करते हैं, यानी कि अगर यहाँ बी है और स्टैक के टॉप पे बी है तो बी को पॉप कराना है। अब मान लो ए है और स्टैक के टॉप पे भी ए है तो हमें उसको कराना है पॉप, ठीक है। उसी तरीके से बी के साथ जैसे ही मैच करेगा पॉप करा देंगे। अब बी से बी मैच किया पॉप हो गया, बी से बी मैच किया पॉप हो गया, ए से ए मैच हुआ पॉप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पीडीए हो जाएगा कंप्लीट। लास्ट हमारा क्या लगेगा, एफ साइलेंट जेड नॉट,
विल गिव जन्नत। और ये हो गई हमारी स्टेट क्यू टू, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं फाइनल स्टेट एफ। आप इसको एफ भी लिख सकते हो इस तरीके से, या फिर आप क्यू टू भी लिख सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। मैं क्यू टू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डबल सर्कल करने का मतलब है कि ये फाइनल स्टेट है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको कि ये किस तरीके से हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, एक दो बार एग्जाम में पूछा गया और इसके आने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अब इसका ट्रांजिशन लिखना, देखिए एग्जाम में आप ये बना के आ जाओगे तो आपको आधा मार्क्स तो मिल जाएगा, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5, 6, 7 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन ट्रांजिशन फंक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर टीचर ऐसा मिल गया कॉपी चेक करते टाइम जो ट्रांजिशन फंक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ के आया है, जिसको बहुत सारी बुक्स में आप देखोगे तो आपको ये चीज़ नहीं दिखेगी, आपको डायरेक्ट ट्रांजिशन फंक्शन लिखा हुआ मिलेगा। तो वहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन अगर आपने नहीं लिखा तो आपको मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए ट्रांजिशन फंक्शन लिखना आना चाहिए और लिखिएगा ज़रूर एग्ज़ाम में, ठीक है। किस तरीके से लिखते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये होता है सिंबल। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले ए जेड नॉट, ठीक है। ए जेड नॉट कहाँ पे, क्यू नॉट पे है। तो ये लिखा हमने क्यू नॉट कॉमा ए जेड नॉट, जो हम लोगों ने इनपुट दिया है। यहाँ से हम लोग का जाएगा आउटपुट कहाँ पे मिल रहा है, क्यू नॉट पे ही मिल रहा है। और क्या मिल रहा है, ए जेड नॉट मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा एक हो गया। अब इसी तरीके से इसमें जितने ट्रांजिशंस बन रहे हैं उन सबको हमें लिख लेना है। तो कैसे लिखेंगे ट्रांजिशन, अब यहाँ पे क्या हुआ, क्यू नॉट पे हमें और क्या है इनपुट में, ए ए, और इससे क्या आउटपुट मिल रहा है, क्यू नॉट पे ही हमें मिल रहा है ए ए। इधर फिर से क्यू नॉट ए कॉमा बी, आउटपुट क्या मिल रहा है, क्यू नॉट ए बी। उसी तरीके से नीचे के भी सारे नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग सी के लिए लिखेंगे ट्रांजिशन क्यू नॉट सी कॉमा जेड नॉट पे, ये हमारे पास आ जाएगा। अब क्यू नॉट पे नहीं मिलेगा आउटपुट, आउटपुट हमें मिलेगा क्यू वन पे। तो यहाँ पे क्यू वन कॉमा जेड नॉट, क्योंकि सी को हमें स्किप करना है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ वाले सारे लिख लेंगे। अब जो भी आएंगे वो क्यू वन पे आएंगे, क्यू नॉट का हम लोगों ने सब कुछ नोट कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो क्यू वन पे आया हमारे पास क्या आया, सी कॉमा ए, एक हो गया। इस पे हमें आउटपुट मिलेगा क्यू वन कॉमा ए, एक आया हमारे पास क्यू वन कॉमा सी कॉमा बी, इसका हमें आउटपुट क्या मिलेगा, क्यू वन कॉमा बी। और नीचे आते हैं, यहाँ पे हमें क्या मिला, क्यू वन कॉमा ए कॉमा ए, इस पे मिलेगा क्यू वन एप्साइलेंट, ठीक है। उसी तरीके से बी कॉमा बी पे भी क्यू वन कॉमा बी, क्यू वन पे मिला हमें एप्साइलेंट, कॉमा लगा लीजिएगा। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आना चाहिए। उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या आएगा, एप्साइलेंट जेड नॉट क्यू वन पे, और आउटपुट मिलेगा क्यू टू पे जेड नॉट। कैसे लिखेंगे याद रखना है, क्यू वन एफ साइलेंट जेड नॉट, और आउटपुट पे क्या आया हमारे पास, क्यू टू कॉमा जेड नॉट क्यू टू पे। ये ट्रांजिशंस हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के। इतनी सी चीज आपको याद रखनी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है समझने में, लेकिन इजी है अगर आप ध्यान से समझो, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये 10 मार्क्स का प्रॉपर क्वेश्चन आया था, तो इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, जो कि इसी से रिलेटेड है, लेकिन वो थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। ये रहा वो क्वेश्चन। तो इसमें L इज इक्वल्स टू डब्ल्यू डब्ल्यू आर, यानी कि एक तरीके से इसमें पैलिंड्रोम बनाना है। अब उसमें C था हमारे पास मिडल में, तो हमें समझ आ रहा था कि C के बाद से जो जो वैल्यूज मिलेंगी उन्हें हमें मैच करा के पॉप करना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे केस चेंज है, यहाँ पे C हमें मिलेगा नहीं, यानी हमें सेंटर पता ही नहीं चलेगा कि हमें कहाँ से वैल्यूज को कंपेयर करा के पॉप कराना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, NPDA का यूज करेंगे। NPDA क्या होता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक
पुश डाउन ऑटोमेटा। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि NPD हम लोग इसको क्यों बोलते हैं। तो अगर इसका हम लोग डिज़ाइन करें स्टैक, सेम स्ट्रिंग लेके करें तो ए बी बी और बी बी ए ये आएगा, क्योंकि सी तो इसमें लगेगा नहीं। तो अब स्टैक में जब इसकी वैल्यूज आएंगी, तो सबसे पहले तो आएगा जेड नॉट, फिर इसमें ए पॉप पुश हुआ, फिर बी पुश हुआ, फिर बी पुश हुआ। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि सी तो आएगा नहीं, तो स्टैक में वैल्यूज़ को इसके बाद से पॉप करना स्टार्ट करना है, ये पता कैसे चलेगा। तो होता क्या है, इसमें दो केसेस बनते हैं हमारे, ठीक है। पहला तो ये हो सकता है कि ये बी पुश करना हो, तो हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, आइदर हम लोग बी में इसको कंपेयर करा के पुश करा दें, तो बी हम पुश करा दें, या फिर हम इसको पॉप करा दें बी से कंपेयर करा के। कैसे हो रहा है थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं समझ रहा हूँ, मुझे भी हुई थी। तो अभी हम लोग डायग्राम बना के समझते हैं कि कैसे हो रहा है। उसी की तरह है जैसे पिछला वाला हुआ था, थोड़ा सा चेंज है, आप लोग समझ जाओगे। बाकी क्यू नॉट स्टार्टिंग हमें सेम करनी है, क्यू नॉट वहाँ जितने इनपुट लिए थे इनपुट उतने ही लेने पड़ेंगे यहाँ भी, ठीक है। ए ए ए जेड नॉट और हमारा ए बी, उसी तरीके से इधर बी जेड नॉट बी बी और बी ए, ये हो गए हमारे पास इनपुट इधर से। वहां पे क्या था, वहां पे हमारे पास सी था, तो हम लोग यहाँ पे सी को स्किप करा के उसके बाद हमें पता चल रहा था कि इसके बाद से हमें पॉप करना है। यहाँ पे केस बदल गया है, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल सी चीज़ है। अब जब हमारे पास डबल ए आएंगे, ठीक है, तो हमें एक सिंगल ए रखना है। ऑल राइट, एक सेकंड में समझा रहा हूँ अभी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जब हमारे पास ऐसी कंडीशंस आएंगी, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास इन दो बी के बाद ये बी आया, ठीक है, तो हम लोग दो चीज़ें कर सकते हैं, आइदर हम इस वाले बी से कंपेयर करा के इसको पॉप कर दें, ठीक है, या फिर इस बी को हम लोग पुश कर लें, जैसे कि ये यही स्टैक मान लेते हैं। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, इससे इसको कंपेयर करा के इसको पॉप करा दें, या फिर एक और भी इसमें पुश कर दें स्टैक में, ठीक है, ये दोनों केसेस हो सकते हैं। तो हम लोग इसमें दोनों केसेस का यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले ए ए आया तो हम लोगों ने पुश करा लिया, बी बी आया तो हम लोगों ने पुश करा लिया, स्टेट क्यू वन लगाएंगे। अब सेम वही काम करना है, लेकिन इस बार हम इस केस में क्या करेंगे, पॉप करा देंगे, यानी कि जब भी ए ए हमारे पास आएगा तो वो कराएगा, हाँ, यहाँ पे पॉप, जब भी बी बी आएगा तो वो कराएगा पॉप। समझ में आया। अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक NPDA है। जैसा कि NPDA की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी सिंगल ऑपरेशन से दो मूवमेंट जनरेट हो रहे हों, जैसे कि इसमें एक ए ए के इनपुट से डबल ए भी जनरेट हो रहा है और एक ए ए के इनपुट से एप्सिलॉन भी जनरेट हो रहा है, तब इसको NPDA के अंदर लिखा जाता है या फिर इसको NPDA कहा जाता है। अब क्लियर हो गया, ईजी है। उसके बाद कुछ नहीं करना, फाइनल स्टेट पर हमें पहुँचा देना है एप्सिलॉन जेड नॉट पे, जेड नॉट, और हमारी फाइनल स्टेट हो जाएगी Q2, या फिर इसको आप F भी लिख सकते हो, मुझे आदत है Q2 लिखने की, तो मैं Q2 लिख रहा हूँ। सिंपल है, थोड़ा सा चेंजेस है उसमें और इसमें, बाकी आप ट्रांजिशन फंक्शन वीडियो पॉज करके एक बार खुद से लिखने की प्रैक्टिस करो, मैंने एक में आपको बता दिया कैसे लिखना है। बाकी मैं ट्रांजिशंस लिखे दे रहा हूँ, आप लोग मैच करा लो लिख के कि आपने सही लिखा है या फिर नहीं लिखा। ये हो जाएंगे प्रॉपर ट्रांजिशंस हमारे इस फिगर के लिए। अब आप अपने ट्रांजिशंस एक बार मैच करा लीजिएगा कि सेम यही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वो देख लीजिएगा। ऑलराइट, बाकी एक दो ट्रांजिशंस यहाँ पे इस तरीके से हैं, जैसे कि ये क्यू नॉट ए कॉमा ए, क्यू नॉट ए ए मिल रहा था, और क्यू नॉट बी कॉमा बी, क्यू नॉट बी बी मिल रहा था, और ये रिपीट भी हो रहे थे, क्यू नॉट ए कॉमा ए, क्यू वन पे ए ए मिल रहा था। ये देखिए, एक ये वाला लूप है, ये वाला लूप है, और एक ये सिंगल भी है, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब एक चीज़ ये आता है कि अगर आप इन दोनों को नहीं यूज़ करोगे तो भी ये गलत नहीं माना जाएगा, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, लेकिन इन दोनों को यूज़ कर लेना, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा और समझने में ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो इनको एक साथ इस तरीके से लिखते हैं, क्यू नॉट ए ए, दोनों पे आउटपुट मिल रहा है तो आपको दोनों को मैंशन कर देना है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ के साथ, ईजिली आप लोग कर सकते हो।
ये था आज की वीडियो में दो क्वेश्चन पीडीए को लेके। पीडीए में इससे ज़्यादा कुछ पूछा जाए ये तो मुश्किल है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा भी कुछ पूछा जाएगा या एग्ज़ाम में आया होगा तो मैं उसको भी वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। आई होप आपकी आज की वीडियो में आपको क्लियर हुआ होगा कि पीडीए क्या होता है, पीडीए का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है इन प्रॉपर गिवन हमारे लैंग्वेजेस के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लेलिस्ट अगर आपने विजिट नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। AKTU के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे डालते रहेंगे, सो दैट थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।